मेरा नाम भास्कर कुमार। पैसा पैसा, हर महीने कर्ज लेने वाला तुझमें इतना जोर है तो हम उधारी देने वालों में कितना तुम्हें सोचा है? अगर पैसे होते तो इज्जत और प्यार सब कुछ होता। क्या फैमिली के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना गलत है? क्या ऐसे खींच रहा है? कानों की बाली कान फट जाएंगे। वेट, असली कहानी तो अब शुरू होगी। द सब्सटेंस। जो भी खरीदना है खरीद लो, इतने पैसे कमाए हैं मैंने। ये क्या हो रहा है? हर जगह से गिफ्ट में डेड बॉडी क्यों मिल रही है? तो सबसे पहले आज के दिन में हमें कोई सरप्राइज देखने को नहीं मिल रहा, मतलब कि जैसे कि Amazon Prime की ओर से हिंदी डब में या कोई हिंदी लैंग्वेज वाली मूवी सरप्राइज रिलीज की जाती है, लेकिन कन्फर्म हुआ कंटेंट बहुत सारा देखने को मिलने वाला है आज के दिन में भी, जिन सभी के बारे में ही। और कल के फ्राइडे के दिन में हमें कौन सा कंटेंट देखने को मिलने वाला है OTT पे, उन सभी के बारे में ही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जिसमें सबसे पहले तो आज के दिन में हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंतजार था साउथ की बड़ी पैन इंडिया पीरियड एक्शन थ्रिलर मूवी थंगलन का, जिसे आज के दिन में ही सरप्राइज रिलीज किया जाने वाला था और डिजिटल प्रीमियर होनी थी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी। बट अभी तक ये मूवी हमें देखने को नहीं मिली है और आज के दिन में देखनी मुश्किल भी लग रही है, क्योंकि जो भी थिएटर वाली मूवी रिलीज होनी होती है वो जल्दी सुबह से ही रिलीज कर दी जाती है, मतलब के रात के 12 बजे। लेकिन अभी तक ये मूवी थंगलन हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिल रही है, जिसके साथ भी अभी वही होने वाला है जो खेल खेल में मूवी के साथ हुआ था, जब उस मूवी को कई सारे मीडिया हाउसेज की ओर से 9 अक्टूबर को ही रिलीज किए जाने का अनाउंस किया गया था, लेकिन उसको 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। तो वैसा ही अभी थंगलन मूवी के साथ भी होने वाला है, जिसे थर्सडे के दिन 31 अक्टूबर को रिलीज किए जाने की अपडेट थी, लेकिन अभी ये मूवी देखने को नहीं मिल रही है और अभी ये मूवी फ्राइडे के दिन में ही देखने को मिलेगी, बिल्कुल खेल खेल में मूवी के जैसे ही। तो ज्यादा निराश ना हो, ये मूवी हमें आज देर रात से मतलब कल के फ्राइडे के दिन में हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में कन्फर्म हमें आज रात को ही पता चल जाएगा जब इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा या फिर आज दोपहर को नेटफ्लिक्स की ओर से इसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा। इसके बाद साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी जीना, जिसमें सनी लियोनी भी हमें मेन रोल में देखने को मिलती है और यह मूवी रोमांटिक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें सब मसाला देखने को मिलता है, मतलब कि एक्शन रोमांस कॉमेडी ड्रामा सब कुछ। तो यह मलयालम मूवी पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी, जो ओनली मलयालम लैंग्वेज में यूट्यूब पर भी देखने के लिए अवेलेबल है, लेकिन अभी इस मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे अभी आज से ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी इसकी IMDb रेटिंग तो एवरेज की ही है 5 पॉइंट के करीब, लेकिन इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं जो आपका टाइम पास तो जरूर करवा ही देगी, जिसमें अच्छी खासी देखने लायक कॉमेडी है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया साईफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी एपोकलिप्स जी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की रही है और अभी इस मूवी को Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसको पहले ओनली सिलेक्टेड थिएटर्स में ही रिलीज किया गया था और अभी यह मूवी आज के दिन से ही Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको देखने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे, मतलब यह मूवी नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के साथ ही अभी Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें मैनल नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी रेबीज के जैसे ही एक जानलेवा बीमारी से भाग रहा होता है, मतलब कि इस बीमारी ने ज्यादातर पॉपुलेशन को खत्म कर दिया है और ये बंदा भी अपने आप को सेफ रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए नजर आने वाला है इस मूवी में, लेकिन अभी उसको एक कंपेनियन मिलने वाला है, मतलब कि जो उसकी जर्नी में उसका साथ देने वाला है। बाकी क्या होता है इस कहानी में और कैसे दिखाया जाता है एक्शन और थ्रिल के साथ, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलेगा, जो अभी Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया है 6.7 की, तो ट्राई करनी तो बनती है और ऊपर से हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद आज के दिन में ही रिलीज होने वाली है एक बढ़िया साउथ की पैन इंडिया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लक्की भास्कर, जिसमें हमें साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं और ये मूवी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया है, जो एक स्कैम के साथ जुड़ी हुई है जो अभी इस लक्की भास्कर नाम के बंदे के साथ होने वाला है, जो अभी एक बैंक में कैशियर होता है इस कहानी में और उसके पास एक रिस्की इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है, जो उसे जल्दी ही पता चलता है कि ये एक बड़ा स्कैम होने वाला है जो उसे मनी लॉन्ड्रिंग की इल्लीगल गेम में धकेलने वाला है, तो उसके बाद वो कैसे बच
पाता है या फिर कह लें कि कैसे सर्वाइव कर पाता है इस गेम से, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया मूवी होने वाली है, जिसे अभी आज से ही थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी। अगर आप आज के दिन में थिएटर्स में कुछ देखने जाना चाहते हो तो ये मूवी रेकमेंडेड है। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया साइफाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द सब्सटेंस, जिसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है और इसका इंडियन ऑडियंस भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है डिजिटल प्रीमियर होने का। तो अभी ये मूवी आज के दिन से ही मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है, जिसे अभी ओनली US में ही रिलीज किया जा रहा है, लेकिन कल के दिन में मतलब 1 नवंबर से ये मूवी रेंटल बेसिस पे वर्ल्ड वाइड रिलीज की जा रही है। बाकी इंडिया में इस मूवी को हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा या नहीं, वो तो हमें कल के फ्राइडे के दिन में ही पता चलेगा, जब इस मूवी को रेंटल बेसिस पे Amazon प्राइम या फिर बाकी रेंटल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर दिया जाएगा। बट आज के दिन में ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस थर्सडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डोंट कम होम, जो ओरिजिनल एक थाईलैंड की मूवी है, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जब एक माँ अपनी छोटी बच्ची के साथ अपने पुश्तैनी घर में मूव होती है, जहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ होती हैं और इसको भूतिया घर भी कहा जाता है। तो वहाँ पे पहले दिन में ही उसकी बेटी अचानक से ही गायब हो जाती है, जिसके बाद पुलिस भी काफी हैरान परेशान हो जाती है और उनको भी थोड़ा सा भरोसा होता है कि ये एक भूतिया घर है। बाकी आगे इस कहानी में क्या होता है और क्या क्या मिस्ट्री निकल के सामने आती है, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इस थर्सडे के दिन में ही मतलब 31 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे थाई एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। बाकी इस मूवी की कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक सच में भूतिया घर की कहानी है या फिर उसकी बच्ची को किसी की ओर से किडनैप किया जाता है, वो तो इस मूवी की कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इस थर्सडे दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद 31 तारीख को ही एक और बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है मर्डर माइंडफुली, और इसकी कहानी भी काफी क्राइम के साथ साथ थ्रिल से भरी हुई होने वाली है, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं और ये एक मिनी वेब सीरीज है, बट इसमें कुछ 4-5 एपिसोड होने वाले हैं और इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें कहानी हमें एक ऐसे लॉयर की देखने को मिलने वाली है जो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट होता है, जहां पे वो ना चाहते हुए भी एक मर्डरर बन जाता है। तो कैसे वो अचानक से एक मर्डर कर देता है और उसके बाद उस मर्डर से कैसे बच पाता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में क्राइम और हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है डार्क ह्यूमर के साथ। तो ये भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसे अभी 31 अक्टूबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद 31 अक्टूबर को ही एक और बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है डिप्लोमेट का सीजन 2। अगर आपको पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये भी आपके लिए मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जिसके सीजन 1 को मैंने भी देखा था और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो अभी इस सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है, जिसे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कहानी हमें एक अमेरिकन डिप्लोमेट की देखने को मिलती है और उसके अंदर कुछ अटैक्स भी होने वाले हैं। तो सीजन 2 पॉलिटिकल मिस्ट्री के साथ साथ एक्शन भरा भी होने वाला है। ये एक थ्रिल भरी कहानी है जो हमें एज ऑफ द सीट पे बिठाने वाली है। तो दांतों तले उंगलियां चबानी तो नॉर्मल है इस सीरीज को देखते हुए। तो ये भी एक मस्ट वॉच रेकमेंडेड वेब सीरीज है मेरी ओर से। इसके बाद इसी साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक साउथ की एक बढ़िया स्पोर्ट्स रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी लूबर पंथू, जिसकी IMDb रेटिंग अमेजिंग 8.9 की चल रही है और इसको 1,700 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है दो ऐसे बंदों की जो दोनों ही क्रिकेट लवर्स होते हैं और दोनों ही गली क्रिकेट में एक दूसरे से अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उनमें से एक को दूसरे बंदे की बेटी से प्यार हो जाता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो IMDb रेटिंग के चलते हुए भी काफी बढ़िया और रेकमेंडेड मूवी है, जिसे अभी इसी मंथ में ही हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar है, जहां पे इस मूवी को 31 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा और तब ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। तो ये भी दिवाली के मौके की एक बढ़िया मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस को ही एक और बड़ी पंजाबी मूवी का इंतजार था OTT पे रिलीज होने का, जिसका नाम है शिंदा शिंदा नो पापा, जिसे अभी काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और ये मूवी भी OTT रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो अभी चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही इसकी रिलीज डेट को भी कन्फर्म कर दिया गया है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है दिवाली के पास 31 अक्टूबर की। जी हां, अक्टूबर मंथ के आखिरी दिन में ये मूवी हमें चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जब इसे 11:00 बजे से OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े दिन फ्राइडे के दिन की, जब Z5 के उत्तरी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया हिंदी वेब सीरीज का सीक्वल पार्ट देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है मिथ्या, जिसका सीजन 1 काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और अभी हुमा कुरैशी के साथ इस वेब सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है, जिसके सभी एपिसोड को अभी 1 नवंबर से ही अवेलेबल कर दिया जाएगा Z5 के उत्तरी प्लेटफॉर्म पे। और इस वेब सीरीज में हमें कहानी सीजन 1 से ही कंटिन्यू होते हुए देखने वाली है, जिसमें मिस्ट्री और थ्रिल और भी ज्यादा बड़े लेवल पे होने वाला है। मतलब कि कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस बनाने की कोशिश की गई है कई ज्यादा नए ट्विस्ट एंड टर्न्स डालते हुए। बाकी कैसी रहती है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी 1 नवंबर से ही Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ टाइम पहले रिलीज की गई थी एक एवरेज सी हॉरर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज 10 जून की रात, जिसको बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं किया गया था लेकिन फिर भी काफी ऑडियंस ने इसको देखा था, तो उसके चलते ही इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी अभी रिलीज होने जा रहा है, जिसको जियो सिनेमा की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया था कुछ दिन पहले ही। तो ये हॉरर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज 10 जून की रात का सीजन 2 हमें 1 नवंबर से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा, जिसके भी सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। बट बाकी ये सीरीज इतनी ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, जिसका इंडियन ऑडियंस को ज्यादा इंतजार तो नहीं था, लेकिन अभी रिलीज होने वाली है तो ट्राई कर सकते हैं, बट ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। मेरे लिए तो ये टाइम वेस्ट वेब सीरीज ही है, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफी घटिया सी नजर आती है, स्पेशली सीजन 1 की। ऐसा लगता है कि कोई पुराने जमाने की 2000 के करीब की मूवीज या सीरीज देख रहे हैं। इसके बाद इसी वीक में मैंने आपको बताया था कि बॉलीवुड की कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी युद्रा हमें रेंटल बेसिस पे देखने को मिल सकती है, इसे रेंटल बेसिस पे सरप्राइज रिलीज किया जा सकता है, जो भी वैसे थंगलैंड मूवी के जैसे ही एक्सपेक्टेड थी कि हमें 31 अक्टूबर को ही देखने को मिल जाएगी सरप्राइज रिलीज होते हुए, लेकिन अभी ये भी मूवी हमें 1 नवंबर को ही देखने को मिलेगी, जिसके लिए भी अभी 2 दिन ही निकल के सामने आए थे 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर, तो ये मूवी भी थंगलैंड के जैसे ही हमें 1 को ही सरप्राइज रिलीज होते हुए देखने वाली है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए कंटेंट की नई लिस्ट के साथ, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में, बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।